गले में रुन झुन घुंघरू बजता, यहाँ कूदता वहाँ उछलता, बैठे बैठे तालाबों किनारे, सोचे रही है रानी, पिताजी के संग गए थे हम मुड़मा के मेले में, हरा हरा शंभू शंभू शिवा महादेवा शंभू शंभू। झारखंड के सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, संगीत भी सिखाया जाता है और साइंस पढ़ाने वाले शिक्षक संगीत कितना अच्छे से जानते हैं, हारमोनियम कितना अच्छा बजाते हैं, जब ये आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं कारे कारे बदरा, वो जो कविता है एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। सर जो है अभी हारमोनियम के द्वारा हम लोग को भजन सुना रहे हैं ना सर जी, तो सर सुना रहे हैं तो सुनते हैं, आप दर्शकों को जरा सुनिएगा, बड़ा अच्छा गाते हैं और बड़ा अच्छा बजाते हैं। हरा हरा शंभू हरा हरा शंभू शंभू शिवा महादेवा शंभू शंभू, हरा हरा शंभू शंभू हरा हरा शंभू शंभू शिवा महादेवा शंभू शंभू शंभू। थाली बजाइए, बहुत अच्छा, अद्भुत, कमाल। बस तो जैसा कि आपने देखा कि हर हर शंभू जो कि बहुत ही लोकप्रिय भजन है, अभी जब बाबा धाम हम लोग जा रहे थे तो हर जगह वही गाना बज रहा था, बहुत ही प्रचलित गाना है। सर जो है अपनी आवाज़ में जो है हारमोनियम के साथ गा रहे थे, कमाल गा रहे थे। सभी स्कूलों में ऐसा होना चाहिए। संगीत भी जो है ना पढ़ाई का ही एक पार्ट है, खेल कूद जो है, खेल कूद संगीत जो है वो भी शिक्षा का ही पार्ट है। बच्चों को जो है संगीत सिखाना चाहिए, खेल कूद करवाना चाहिए, ताकि जो उनका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। बच्ची भी बजाती है सर, आइए आइए बेटा, तो आप गाएंगी, ये लोग भी गाएगा ना? हाँ, वो प्रार्थना है। अच्छा, हाँ चलिए सुनाइए। तो देख लीजिए, झारखंड के सरकारी स्कूल की बच्ची जो है अभी हारमोनियम बजाएगी और हारमोनियम के द्वारा जो है बजाएगी और गाएगी और साथ में बच्चे भी गाएंगे, तो आइए चलिए। क्या नाम हुआ आपका? वैष्णो कुमारी। वैष्णो कुमारी, आपको सर ने सिखाया है? हाँ। वाह, कौन से कक्षा में पढ़ती है बेटा? क्लास फाइव में। अच्छा, क्लास फाइव में पढ़ती है, अच्छे से बजा लेती है? हाँ। अरे वाह वाह, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा, चलिए बजाइए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ रख देते हैं, लीजिए चलिए। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा। कितना दिन में सीखी है? बहुत अच्छा बजाती है। कितना दिन में सीखे थे सर? अच्छा, भूल गई हैं। जितना दिन में सीखी हैं, सुनिए इधर, बहुत अच्छा बजाती हो आप, ठीक है ना? गाना वाना भी सीखना धीरे धीरे, ठीक है ना? यस सर, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके स्कूल में ऐसे शिक्षक हैं जो आपको संगीत सिखाते हैं, कविता सिखाते हैं एक्टिविटी के माध्यम से, है ना? तो सर के लिए ताली बजाइए आप लोग। बुक है प्रजावंदन, पढ़ाता हूँ थ्री से लेकर के फाइव तक, सिक्स टू एट को साइंस जी। तो इसमें भी कहीं कहीं कविता आता है जी, तो इसको भी लयबद्ध करके अच्छा सुनाते हैं। जैसे ये है तो इसको कैसे करते? जैसे हाँ। आप लोग भी करेंगे? टप 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 घोड़ा आया, झूम के देखो तांगा लाया,
टप 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 घोड़ा आया, झूम के देखो तांगा लाया, गले में रुन झुन घुंघरू बजता, यहाँ कूदता वहाँ उछलता, गले में रुन झुन घुंघरू बजता, यहाँ कूदता वहाँ उछलता, टप 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 घोड़ा आया, झूम के देखो तांगा लाया, टप 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 घोड़ा आया, घूम के देखो तांगा लाया। ताली बजाइए। सर, सबसे पहले मेरा आपको नमन है, प्रणाम है कि क्या गजब का सर आपका आवाज है, और इतना मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको, मतलब धन्यवाद कहने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी संगीतमय दुनिया में आ गया हूँ। इतना अच्छे से लोग इसको, अच्छा आगे भी है, अरे वाह वाह, जगह है ना, हाँ चलिए। सरस मेला पाठ बाईस का सरस मेला है, तो उस पर आप लोग गाइएगा, ठीक है। पिताजी के संग गए थे हम मुड़मा के मेले में, पिताजी के संग गए थे हम मुड़मा के मेले में, थोड़ा चल कर कूंद फांद कर हम सब पहुँचे मेले में, सोमा गीता चुन्नू मुन्नू रंग बिरंगे कपड़ों में, लकड़ी का घोड़ा घिरनी झूला, जैसे हम पहुँचे सपनों में, पिताजी के संग गए थे हम मुड़मा के मेले में, थोड़ा चल कर कूद फांद कर हम सब पहुँचे मेले में। ताली बजाइए, वाह अद्भुत अद्भुत, कमाल कमाल। हम तो कहते हैं सर कि ये सरकार को जो है ना, ये जो आप किताब पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी है, सोशल साइंस, सोशल पर्यावरण अध्ययन है, ये तो पूरा किताब आप इनको गाने के थ्रू रटवा दीजिएगा, इनको याद आ जाएगा सर। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि मुड़मा मेला होता क्या है, आपने मुड़मा मेला का जिक्र कर दिया, इस जो किताब में लिखा हुआ है मुड़मा मेला के बारे में बहुत लोगों को पता हो जाएगा इस कविता के माध्यम से। तो ये आपका अंदाज इतना अच्छा है, ये आपका अंदाज इतना निराला है कि मतलब सभी शिक्षकों को ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है कि नहीं सर? एकदम एकदम बिल्कुल। तो अच्छा लगा सर मिलके आपसे, और कुछ और सुना रहे क्या सर? एक लाइन। अच्छा एक लाइन, कोई बात नहीं सर। तो एक धुन पर बैठाए थे, हाँ। फिल्म का सॉन्ग था, बच्चों हाँ। को लगा कि थोड़ा सा धुन पर बैठा के हाँ। सुनाना चाहिए जी जी। तो और मजा लेते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ठीक है जी। बट ये पानी के बदलते स्वरूप पर है। अच्छा, ये पार्ट सिक्स में है। पार्ट सिक्स, पानी के बदलते रूप, मीना की जुबानी करके करता है। बैठे बैठे तालाब किनारे, सोचे रही है रानी, बैठे बैठे तालाब किनारे, सोचे रही है रानी,
कुछ दिन पहले भरा तालाब था, कहाँ गया वह पानी, देख चिंता में रानी को, मीना ने उसे समझाया, सूरज की गर्मी ने उसे जलवाष्प बना उड़ाया, वाष्पीकरण कहते हैं इसको, सुनो ध्यान से रानी, उड़ जाता है भाप बनकर, गर्मी से यह पानी, गर्मी पाकर कपड़े सूखते और उबलता पानी, सूरज व आग की गर्मी से जुड़ी वाष्पीकरण की कहानी, गर्म भाप जब ठंडा पड़ता, बन जाता है फिर पानी, वाष्पीकरण के उल्टा बच्चों, संघनन की है कहानी, जलवाष्प पेड़ पौधों के आस पास है उड़ता, होकर ठंडा ओस रूप में है उस पर वह पड़ता, बैठे बैठे तालाब किनारे सोच रही है रानी, रही है रानी। ताली बजाइए। देखिए ये जो सर आपको एक पाठ पढ़ाए कविता के माध्यम से, इसी में वाष्पीकरण के बारे में बता दिए सर, ठीक है ना? तो रटना नहीं है, इसको समझना भी है साथ ही साथ, ठीक है? इसमें देखिए सर ने इतने प्यार से, इतने अद्भुत तरीके से वाष्पीकरण किसे कहते हैं बता दिया है कि मतलब आपको अगर बोर्ड पे समझाया जाए तो नहीं समझेगा, लेकिन इन्होंने कविता के माध्यम से उसको गाने के रूप में ढाल के आप सभी को समझा दिया कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। समझ पाया ना? तो सिर्फ रटना नहीं है, इसको समझना है कि उस कविता में क्या क्या शब्द हैं, उस कवि वो कविता का कहने का तात्पर्य क्या है, उस कविता का क्या अर्थ है, ठीक है कि नहीं है? समझिएगा ना? ठीक है ना? ये तो बड़ा अच्छा सर, ये एकदम वाष्पीकरण बता दिए बच्चों को। हाँ, वो कोशिश करते हैं कि हर जगह जी, और इंस्ट्रक्शन भी रहता है, जैसे देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन है, कविता दी जा रही है, इसे बच्चों के साथ हाव भाव के साथ गाएं। इसमें लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, तो कोशिश करना पड़ता है उसके लिए ना। झारखंड सरकार को, शिक्षा विभाग को ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने की ज़रूरत है, ऐसे शिक्षकों को अगर सम्मान मिलेगा तो और अच्छे से पढ़ाएंगे, और जो शिक्षक हैं जो दूर दराज जिलों में हैं, जैसे गुमला में, सिमडेगा में, गढ़वा में, पलामू में, उधर देवघर में, गोड्डा में, वहाँ के भी शिक्षक जो है प्रयास करेंगे, और सरकार को समय समय पर ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करना चाहिए ताकि शिक्षकों के अंदर लगेगा कि यार सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। दिल्ली के शिक्षकों को ना पोलैंड भेजा जाता है, अलग अलग विदेशों में भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए कि आप देखिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी जाती है। अगर यहाँ के शिक्षकों को भेजा जाएगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड के शिक्षक पूरे भारत में नाम रोशन करेंगे। तो सर के लिए एक बार ताली बजाइए आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरा नमन है।